Bismillahirrahmanirrahim. Today we start this book from the beginning. Ad-Darsul Awwal, first lesson, Al-Irab wal-Bana. Okay, Irab कहते हैं लव्स की आखिरी वावल को, आखिरी हरकत को, ठीक है? और बना के दो मतलब होते हैं, एक तो हम structures के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और एक मबनी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. ये दोनों चीज़ें खैर हम पढ़ेंगे इसमें. अच्छा जी, फिल इस्माई नाउंस में अस्मा, इसम की जमा है अस्मा. तो इसमें हम पहले इसम के बारे में इसको हम पढ़ेंगे कि वो मौरब होता है या मबनी होता है. पढ़े इस्मु इमा मौरबुन व इमा मबनीयुन. ठीक हो गया. तो नेम इस्मु इज नेम, इसम ही कहते हैं और इंग्लिश में भी इसम कहें. ओके, इसम और नाउन. इमा मोरिबुन इज इमा या तो आइदर का मतलब होता है आइदर. ओके, नाउन आइदर. मोरिबुन इज मोरब व इमा आइद और एंड आइदर मबनी. मबनी The ism is either मौरब or either it is मबनी. यानी या तो मौरब होगा या मबनी होगा. मौरब कुछ याद है किसे कहते हैं? जो लव जुमले के हिसाब से चेंज हो जाता है, जैसे मुदरिसु, अल मुदरिसा, अल मुदरिसी, ये लफ्ज़ चेंज हो रहे हैं ना, इराब चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है ये मौरब लफ्ज़ है. ठीक है. अच्छा, कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो कभी चेंज ना हो, जैसे हा उलाई, हमेशा हा उलाई ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे मबनी. ठीक है. तो जो भी इसम आपको नज़र आएगा अरबी में, उसको आपने दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है, मौरब में या मबनी में. तो मेजॉरिटी लफ्ज़ जो हैं वो मौरब हैं और थोड़े से लफ्ज़ मबनी है. मबनी हमें सारे के सारे याद करने पड़ेंगे. فل معرب ما تغير آخر بسبب العامل نحو. تو فل معرب سو معرب ما تغير is what ما تغير یہاں پہ نیگیٹو کے لیے استعمال ہوا ہے, not changing. मौरब वो होता है जिसकी आखिर, जिसकी एंडिंग मा तगैरा चेंज नहीं होती, बी सबब आमली, जब उसके ऊपर कोई आमिल, जब उसके ऊपर कोई सब्जेक्ट काम कर रहा हो. बी सबब आमली बिकॉज ऑफ एजेंट. सो द मौरब इज द वर्ड हुज एंडिंग डज नॉट चेंज because of the agent. Because of the agent, okay. Nahu is? Nahu, like, for example, jaisa ke. Okay, for example. Ja'al mudarrisu marfu'u. So, the teacher came. Sa'alatal mudarrisa. It is mansub. So yeah. The teacher asked, then Saltul Mudarrisa. I asked the teacher. Saltul Mudarrisa. Okay. I asked. Mansub. Okay. Next, Salam Ti Alal Mudarrisi. Salam Tu Alal Mudarrisi. Majroor. ठीक है. आई ग्रीटेड द टीचर, मैंने उस्ताद को सलाम किया. तो बस यहाँ पे वही ये चीज़ बता रहा है कि मौरब वो होता है जिसकी आखिरी जो एंडिंग होती है, आखिरी इराब होती है, वो एजेंट की वजह से चेंज नहीं होती. क्या हो गया? और सॉरी, यहाँ पे हमने गलत कर दिया. जिसकी एंडिंग मौरब की वजह से चेंज हो जाती है. सो द मौरब इज़ द वन हुज एंडिंग चेंजेस विद बिकॉज ऑफ द एजेंट. यहाँ पे हम देखिए कि सारी चेंज हो रही है. यहाँ पे माँ का मतलब होगा व्हाट,
Okay. Next. Val magni ma la yat yatavir akhiruhu bisababal amili nahu. So val magni is and magni ma not la tagir one la yatagiru whose ending does not change. La yatagiru ending doesn't change. Akhiruhu. Akhiru ending hai na. Yatagiru change. Akhir ending. Okay. Vi sababil amili. Vi sababil amili. Because of the agent. Okay, because of the agent. Like, for example, Ja'a ha'ulai. They all came. Yeah. Fi mahalli rafain. In the place of Rafa. In the mahalli. Mahal kehte hain place. यानी कि जो रफा की जगह पर है इसको हम मरफू नहीं कहेंगे लेकिन हम कहते हैं कि मरफू की जगह पे है ये ठीक है ओके अब क्योंकि इसके साथ कतरा है इस वजह से हम इसको मरफू नहीं कह रहे लेकिन ओना से मरफू चाहिए तो इसलिए हम कह देंगे फी महली रफी कि रफा की हालत पे है रफा की स्टेट पे है स्टेट महल्ला मीन स्टेट स्टेट Sal tu ha'ulai is they all asked. Sal tu I asked ha'ulai these. I asked these. Maine unse pucha. I asked these. Okay. And then this is in mahalla state of nasab. Yes. Lekin ye mansoob nahi hai. Okay. ओके तो ये मंसूब के लिए हाउलाई का लास्ट वर्ड देखना है राइट ये हाउलाई हमेशा हाउलाई रहेगा जो भी हो जुमला ठीक है अब यहां पे इसको होना चाहिए था जी फिर इसको नसब क्यों कह रहे हाउलाई नसब नहीं कहा हमने कहा ये नसब की स्टेट पर है पोजीशन पर है नसब नहीं लेकिन उसकी जगह पे आप समझ लें कि उसकी स्टेट पे है अच्छा उसकी जगह पे अब यहाँ पे जो भी लाज होना चाहिए था ना साल तो के बाद वो मंसूब हाँ। होना चाहिए था इसलिए हमने कि मंसूब की जगह पे है मंसूब की स्टेट पे है अच्छा ओके ठीक सल्लम तो अला हाउलाई सो इन द फी महली जर इन द स्टेट ऑफ जर बिकॉज ऑफ अला ये इन द स्टेट ऑफ जर है अलमारिबु वल मबनीयु मिनस समाई सो अलमारिबु इज अलमोरब वल मबनी मिनल असमा आप इनकी एग्जांपल देंगे मोरब और मबनी की यानी जिनने भी ये सब है ना उनमें से वो आपको बताएगा कि मोरब कौन से हैं और मबनी कौन से हैं ओके So al morab is al morab and wo al mabni minal asma'i from the following nouns from the nouns from the, all the nouns from all nouns from the noun asma'i is plural from the nouns okay so al asma'u kulluha maribatun morabat So the nouns kullaha is each one of it. All of them. Sare ke sare. All of them. Maribatun is marib. Marib. यानी कि वो आपसे कह रहा है कि जितने भी asma हैं, ism जितने भी हैं, वो सब के सब morab हैं. Morab. Okay. Morab means endings will change, right? Yes, ending change. लेकिन आप यहाँ पे एक
एक्सेप्शन भी साथ उसने लिखी हुई है, पढ़े जरा। मादा अल सियातिल आतैती सुमाइस मा अदा एक लफ्ज है, मा अदा का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट। ओके अपार्ट फ्रॉम और एक्सेप्ट अल्फियातिल कैटेगरीज, याते क्या कैटेगरीज, देर इज कैटेगरीज, मा अदा अल्फियात अलातिया एक्सेप्ट द फॉलोइंग कैटेगरीज, सेट द फॉलोइंग कैटेगरीज ओके यानी के सारे मोरब होंगे सवाए नीचे दी गई कैटेगरीज के, ये सब मबनी होंगे और बाकी सारे मोरब, ये मतलब है इस बात का। अज़माइर अब यहाँ पे उसने लिखा है जमायर, इससे क्या मुराद है, जमायर मोरब होंगे या मबनी होंगे? जमायर मीन्स ये जो प्रोनाउन प्रोनाउंस जमायर मबनी होंगे, क्यों? उसने कहा था सारे मोरब में सिवाय नीचे वाली कैटेगरी के, तो पहली कैटेगरी उसने लिखी है मबनी की, वो है जमायर, तो इसका मतलब है जमायर सारे के सारे मबनी होंगे। अब मिसल का मतलब होता है फॉर एग्जांपल, यानी कि जमायर की एग्जांपल लिखी हुई है। हुआ हम अंता अंतुम अना जहबता खालू ये सारे अल्फाज मबनी है या मोरब है? ये सारे मौरब नहीं है हाँ मबनी है, ठीक है। एक्सेप्शंस ऑफ मौरब राय तू असलुका एंड जरबनी तो इसमें हु का ये सारे मबनी हैं। ओके हाजा जमाइरुन नसब सो दिस इज द प्रोनाउन इन द नसब स्टेट ये नसब को शो करने के लिए होते हैं। ओके किताबहु दफ्तर हा इस्मुका ओके अलैहा एंड लना सो इन अल्फाज में से आप जमायर को अलग करें, इसमें कौन सा जमीर है? किताबहु इज किताब हु जो है वो जमीर है, किताब इसम है और हु जमीर है। ठीक है आगे और दफ्तरुहा में हा जमीर है इसमें दफ्तरुहा आगे नेक्स्ट इसमो का में का ठीक नेक्स्ट, अलैहा था और लना में ना ये जिन्हें भी अभी आपने जमारे बताए ये सब के सब मबनी हैं। सो अलस्माउल इशारा है अभी बिल्कुल अलस्माउल इशारा मसलन और मिसलन हाजा हाजी ذالکا اولائکا ہذانی و ہاتانی معربانی تو یہ ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس تو یہ سب جو ہے معرب ہے ہذا ہاذی ہذا ہاذی ذالکا اولائکا یہ چار مبنی ہیں اور یہ جو آخر دو ہیں یہ معرب ہیں नेक्स्ट जो है अस्माउल अस्माउल अस्तफहाम
अच्छा मैंने ये मिस कर दिया होगा. अस्माउल मौसिला. ओके अस्माउल मौसिला मौसूला. ठीक है. अस्माउल मौसूला जो है रिलेटिव प्रोनाउंस है. मिसलुन अल्लदी अल्लती अल्लदीना. सो ये तीन जो है हैं मबनी. बट ठीक है. लेकिन अल्लदानी और जो है अल्लतानी मोरबानी दो जो है मोरब. नेक्स्ट जो है अस्माउल इस्तिफहाम. ये सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये भी सब के सब मबनी होंगे. ठीक है. क्वेश्चन इन प्रोनाउन्स और ये जितनी भी कैटेगरीज उसने लिखी है ना वो आपको ये बता रहे हैं कि सब के सब मबनी होंगे और इन कैटेगरीज के अलावा जो कुछ भी होगा वो मोरब होगा. ये चीज़ बता रहे हैं आपको. क्या कह रहे हैं अस्माउल इस्तेफाम का इंग्लिश में जो है क्वेश्चनिंग नाउन्स है. इंटरोगेटिव. ओके इंटरोगेटिव वर्ड्स. अच्छा इंटरोगेटिव वर्ड्स. फॉर एग्जांपल मसलन मन आईना मा मता कैफा. ओके नेक्स्ट इज अच्छा बाज़ राहुल इधर अब नमाज का टाइम हो गया ना मगरिब का. 15 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं और ब्रेक के बाद आपने लेनी है क्लास. हाँ ठीक है ले लेते हैं. ठीक है. हम 15 मिनट बाद इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा कॉल करूँगा या बल्कि हो सकता है पहले मैसेज कर दूँ जब आप ठीक रिप्लाई फिर क्लास शुरू कर देंगे.